एंड राधे राधे गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे राधा राजवंशी ब्लॉग पे। और फाइनली बहुत टाइम बाद आ गया है मेरे चैनल पे क्यू एंड ए वीडियो। बहुत टाइम से सोच रहे थे अब लेके आएंगे बट लेके नहीं आ पा रहे थे। बट 10 के कम्प्लीट हुआ सब्सक्राइबर, तो सोचे कि लेके आते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ बातें करते हैं, जो आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं उनके जवाब देते हैं, जिन जिन सवालों के दे सकते हैं जवाब उन सब सवालों के। और आप लोग सोच रहे होंगे ना मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? हो गए जादू से। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हम बताएंगे क्या कैसे वो सबका वीडियो आएगा, तो चेक करते रहिएगा मेरा जो मेन चैनल है राधा राजवंशी, उस पर आएगा इसका वीडियो, ठीक है? तो जाइए वो भी चैनल सब्सक्राइब करिए गाइस, 50K होने वाले हैं उस पर और वेट नहीं हो रहा है, बहुत देर लग रहा है 50K होने में। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं ब्लॉग चैनल पे, जो मेरे न्यू हैं वो जाइए वो चैनल भी सब्सक्राइब करिए, राधा राजवंशी या स्क्रीन पे नाम आ रहा होगा। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप मेरे को फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ भी कर लीजिए। जो फोटोशूट वाला चैनल है उसका है राजवंशी.clicks इंस्टाग्राम आईडी, और जिस पे रील्स शेयर किया करते हैं मस्त मस्त, राधा राजवंशी है उसका नेम, तो जाइए दोनों जो मेरा आईडी है उस पर फॉलो करिए। तो क्यों ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे ब्लॉग पे एक दो कमेंट आए थे सोचे वो पढ़ें, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों को जैसा कि पता है मेरे ब्लॉग देख के आप लोगों को पता होगा कि अभी हम घर में मतलब अकेले हैं, सासू माँ बिहार गई हुई हैं, अपने मायके गई हुई हैं, तो जितने भी काम वगैरह हैं ना वो हम ही कर रहे हैं। पहले भी किया करते थे बट एक जिम्मेदारी वाला होता है ना कि बाहर कौन आया या मेरा डॉगी है उसको देखना, A to Z जो काम होता है वो सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो वही सब ब्लॉग शेयर भी कर रहे हैं। तो एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया था, उनका है अर्चना सिंह राजपूत नाम है उनका, वो लिखी थी कि आप बहुत मेहनती और समझदार हो, क्योंकि मायके में कोई काम नहीं करती आप फिर भी ससुराल में इतने अच्छे से इतना सारा काम करती हो, बहुत बड़ी बात है। तो हाँ ये बात सच है कि जो एक कहावत बोला जाता है ना, मायके में हम एक चम्मच उठा के भी नहीं रखा करते थे, ऐसा मेरा है मायके में, अभी भी हम नहीं करते हैं बट ससुराल में आके सारा काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता जैसे मायके में लोग ताने देने लगते थे, पहले भी बोला करते थे कि एक भी काम नहीं करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के भी माँ बाप ये नहीं सिखाते हैं ना कि ससुराल जाके काम मत करना, ठीक है? मायके में वो रखते हैं जैसे उनको रखना होता है, माँ बाप अपने बेटियों को या बेटे को बहुत अच्छे से रखा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ससुराल जाके भी वो कुछ नहीं करेंगी, किसी का ध्यान नहीं रखेंगी, ऐसा बिल्कुल भी कोई माँ बाप नहीं सिखाता। मेरे भी मम्मी पापा बहुत अच्छा सीख दिए हैं कि ससुराल में सबको अच्छे से रखना, सारे काम को संभालना, और बस। तो मेरे को ये कमेंट बहुत अच्छा लगा। और मेरा मानना है जैसे मेरी मम्मी है, बहुत मेहनती है मेरी मम्मी, कितना भी तबीयत खराब रहे ना बहुत काम करती है मेरी मम्मी, तो शायद मेरा इस मामले में मेरी मम्मी पे गए हुए हैं कि हम सारा काम कर लेते हैं और उफ तक नहीं करते। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सासू माँ के जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि हम सब कुछ संभाल भी सकते हैं, घर भी संभाल सकते हैं। तो ये कमेंट मेरे को बहुत प्यारा लगा था, तो सोचे कि आप लोगों के साथ इसमें बात करना चाहिए। और एक कमेंट था उसके बारे में भी मेरे को पूछना था आप लोगों से, कि मतलब उस बारे में मेरे को पता नहीं है वैसे, बट वो जानना था कि क्या ये सही है। वो कमेंट है कि मैंने कमेंट किया था कि दी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो मेरे को इस बारे में कुछ पता नहीं है, बट बाल धोने के बाद बिना सिंदूर लगाए भी कैसे रहेगा कोई शादीशुदा, मतलब जो लेडीज़ हैं वो कैसे रहेंगी, क्योंकि बिना मतलब सिंदूर लगाए पानी तक नहीं पिया जाता है नहाने के बाद। तो अगर हम बाल धो के नहाते हैं तो कितना देर वेट करेंगे सिंदूर लगाने का सूखने के बाद। तो हम ये नहीं सुने हैं कि मतलब गीले बाल में सिंदूर नहीं लगाया जाता है, बट आप लोग भी बताइएगा, मेरे को बहुत कुछ पता नहीं है अभी। अगर ये है कि गीले बाल में सिंदूर नहीं लगाया जाता है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि हम वही सोच रहे थे कि कैसे कितना देर वेट करेंगे मतलब सिंदूर लगाने का, क्योंकि बाल सूखने में भी तो टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए। और एक आया था बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है सौम्या जी का कि दीदी आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है, लव यू माय क्यूट सिस्टर, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। तो उनका क्वेश्चन है कि आप जब ब्लॉग चैनल स्टार्ट की थी तो वॉच टाइम एंड सब्सक्राइब कितना डे में पूरा हुआ था? दीदी मैं भी ब्लॉग अपलोड करती हूँ तो 22 सब्सक्राइबर हैं। तो मेरा जो पहला चैनल था ना राधा राजवंशी जी से फ़ोटोशूट शेयर किया करते हैं, वो कंप्लीट होने में मेरे को लग रहा है कि 1.5 साल लग गए थे, घंटे 4 घंटे पूरे होने में और 1K सब्सक्राइबर्स पूरे होने में 1.5 साल लगे थे मेरे को, अभी तक याद है। 1.5 साल बाद मोनेटाइज हुआ था चैनल, बहुत टाइम लगा था, बहुत मेहनत भी लगा था, लेकिन खुशी तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुआ था। तो 1.5 साल लगे थे मेरे, और ज़्यादा भी लग जाते हैं, और किसी किसी का तो 1-2 दिन में भी पूरा हो जाता है जब वीडियो वायरल हो जाए तो। और उस टाइम उतना शॉर्ट्स हम नहीं डाला करते थे जब हम स्टार्ट किए थे चैनल, इसलिए मेरा बहुत टाइम लगा था।
तो उन्हीं का ये भी क्वेश्चन है कि मेरी स्किन ड्राई है और मैं फेयर लवली क्रीम यूज करती हूँ, अच्छे से सेट करता है और उसी का बीबी फेयर लवली का यूज़ करती हूँ तो पच टाइप हो जाता है और मुझे समर या विंटर में गर्मी होती ही नहीं है, और समर है तो थोड़ा बहुत कभी कभी जैसे सब लोग का होता है वैसे ही समर में स्किन सूखा रहता है। तो आपका तो बहुत ज़्यादा ही ड्राई स्किन है, तो आप कोशिश करिए कि मॉइस्चराइज़र जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करिए, क्योंकि ज़्यादा ड्राई स्किन भी बहुत हार्ड हो जाता है। और फेयर लवली बीबी क्रीम इसलिए पच हो जाता है, शायद फेयर लवली आप यूज़ करते हो ठीक है, बट मेरे को वो पता नहीं क्यों सही नहीं लगता क्रीम। बाकी फेयर लवली के बारे में उतना कुछ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि हम तो यूज़ किए नहीं है तो पता नहीं है। बाकी आप मॉइस्चराइज़र बहुत लगाया करो ताकि आपका स्किन जो है वो हाइड्रेट रहे। और एक चीज़ गाइस बता दे रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आंसर का है वो इंस्टाग्राम पे भी डाले हुए थे, तो इंस्टाग्राम से भी जो क्वेश्चन आया वो भी है और यूट्यूब पे है वो भी है। तो जो आएगा ना पार्ट बाय पार्ट आएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हम शेयर नहीं करेंगे, 15-15 मिनट का शेयर किया करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर सिंह का, हाउ यू हैंडल टू इंस्टा आईडी टू यूट्यूब आईडी एक साथ और घर के काम करते हुए भी। तो मुश्किल है पर हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा अब आदत हो गया है ना कि क्या ही बताए, लेकिन हाँ बहुत कुछ है जो छूट भी जाता है। जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम भी लग जाता है क्योंकि मेरा कंटेंट दोनों अलग है। ब्लॉग है कि हम काम करते करते रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट एडिट करने में काट छाट जो करना होता है वो करने में मेरे को 3-4 घंटे लग जाते हैं। और जो मेरा मेन चैनल है राधा राजवंशी, उस पर फोटोशूट जो हम शेयर किया करते हैं उसके फोटोज वीडियोज एडिट करने में भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो मेरा दिन भर जो है ना 8 घंटा मेरे को इसमें लग जाता है, और इंस्टाग्राम में जो लगता है वो अलग लगता है। घर के काम जो हैं सुबह में अलग टाइम 2-3 घंटे लग जाते हैं, फिर रात में 3 घंटे लग जाते हैं, पूरा इसी तरीके से टाइम जाता है। जैसे जो मेरा रेस्ट का टाइम रहता है ना कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, वो टाइम मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिलता। और अगर हम जो चाहते हैं वो अचीव कर लिए तो ये मेहनत पता ही नहीं चलेगा, मतलब एक खुशी होगा कि जो हम मेहनत किए हैं ना उसका फल मिल गया, पता नहीं कब मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुछ सुनना भी तो पड़ता है, जैसे कि अगर नेल पेंट देख सकते हैं इस तरीके से मेरा हुआ है दोनों हाथ का, और अचानक से काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी से फोटोशूट करके अगर शेयर कर दिए, कितना बार मेरे को इतना निगेटिव कमेंट आया है कि नेल पेंट लगा लेती, क्या करें टाइम नहीं मिलता है। देख सकते हैं हालत क्या हुआ है मेरे नेल का, सारा नेल टूट गया है फिलहाल काम करते करते। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हो, ऊपर से यूट्यूबर भी बनना है, तो मेहनत बहुत लगता है, लोगों को कमेंट करने में टाइम नहीं लगता, निगेटिव मतलब कितना मेहनत लगता है वो बस जो करते हैं उनको पता होगा, जो हाउसवाइफ हैं और ऊपर से यूट्यूबर भी हैं उनको पता होगा कि कितना मेहनत लगता है। क्वेश्चन है कशिश राजपूत का, दी आप इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ एंड फोटोज़ कैसे बनाते हो, प्लीज़ आंसर देना। तो इसका ट्यूटोरियल हम शेयर किए हुए हैं, तो राधा राजवंशी जो मेरा मेन चैनल है आप जाइए वहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल शेयर किया करते हैं कि कैसे उस पर फोटो ले सकते हैं एंड कैसे वीडियोस बना सकते हैं। बहुत गर्मी लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड के अपने ब्रदर सिस्टर नहीं है क्या? तो नहीं, मेरे हस्बैंड के कोई भी ब्रदर और सिस्टर एकदम सगे वाले नहीं हैं, जैसे एक होता है ना अपने, तो वैसे बस वो अपने एक ही हैं, बस सिंगल। और बाकी तो बड़े पापा के हैं, छोटे पापा के हैं, वो लोग हैं भाई बहन सब, लेकिन ऐसे मेरे पतिदेव बस एक ही भाई है, इसलिए मेरे ननद देवर जेठ ये लोग एकदम अपने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद का, कि राजवंशी किस कास्ट में आता है? तो राजवंशी राजपूत में आता है, और बहुत लोग पूछते भी हैं कि आप कौन से कास्ट हो, तो हम हैं राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन एंजल का, हम अंजलि पढ़ रहे थे, दी आप ब्लॉग कैसे बनाती हैं, मुझे नहीं आता, क्या आप बता सकती हैं? तो ब्लॉग बनाने में ज़्यादा ये नहीं है, इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी ज़्यादा ट्यूटोरियल चाहिए स्टेप बाय स्टेप तो कमेंट करिएगा, जल्दी हम वो वीडियो लेके आएंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी आप बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो और आपके यूट्यूब से पेमेंट कितना आता है? तो मेरे यूट्यूब से पेमेंट कितना आता है वो हम कैसे बताएं, फिलहाल अभी रेगुलर जब से नहीं है तो मेरा रेगुलर पेमेंट भी नहीं आता है गाइस। बहुत लोगों को लगता होगा कि बहुत सारे पैसे आते होंगे यूट्यूब से, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत लगता है, $100 पूरा होने के बाद ही पैसे आते हैं। तो फिलहाल मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आता है, मतलब आ रहा है तो तब से मेरा रेगुलर पेमेंट भी नहीं आता है। और कितना आ जाता है वो किस तरीके से बताएं, क्योंकि यूट्यूब में है कि आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो कोई भी चीज़, तो एक आप मोबाइल ले सकते हो
नॉर्मल जो मोबाइल, इतना महंगा नहीं, नॉर्मल मोबाइल एक आप ले सकते हो, इतना आ जाता है। तो नेक्स्ट है, वाई आर यू सो नाइस पर्सन, मतलब कोई ईगो नहीं है, बिल्कुल मस्त ओपन बुक की तरह। तो थैंक यू सो मच नित्या, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। और नाइस पर्सन हम इस बारे में क्या बोले, क्योंकि सामने वाले को पता चलता है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। बाकी मेरा मानना है जो कि हम जो भी करते हैं ना, वो बहुत सोच के करते हैं यहाँ से, कि अगर हम ये चीज़ बोलने से पहले भी सोचते हैं कि अगर हम ये चीज़ बोल रहे हैं, सेम चीज़ अगर मेरे को ये इंसान बोलेगा तो मेरे को बुरा लगेगा या नहीं। तो इसलिए हम बहुत सोच समझ के कुछ भी करते हैं कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए आपके वजह से। बाकी आप सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करो, बहुत खुशी से रहो, तो आपको भी सुकून से जीने का मौका मिलेगा, मेरा यही मानना है। तो हम अपने सुकून के लिए ही बहुत अच्छे से रहते हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम सबको खुश रखें, मेरे को सुकून मिलता है, तो बस इसलिए। नेक्स्ट है अविनाश का, कि आप आरा में रहती हैं क्या? जी हम आरा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपना रंजन का, आप आरा में रहती हो तो प्लीज़ मुझे आपसे मिलना है। सॉरी क्वेश्चन नहीं है, बस उन्होंने बोला है। तो हम आरा में रहते हैं और ज़रूर मिलेंगे, आएंगे तो, अभी तो हम जमशेदपुर आ गए हैं, मेरा मायका आरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स खुशी का, आपका बेबी तो अभी नहीं हुआ है ना? नहीं जी, अभी मेरा बेबी नहीं हुआ है। और एक क्वेश्चन आया था उसका हम आंसर नहीं दे पाए, बेबी प्लानिंग वाला, कि आप बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो, रीड करके आंसर नहीं दिए हैं। तो गाइज़ अभी बेबी प्लानिंग तो नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे तो आप लोग को पता भी चलता होगा कि हमारा जो शादी हुआ है जल्दी हुआ था, और मेरे हस्बैंड का भी जो एज है ना, ऐसा नहीं है कि मेरा एज कम है तो उनका एज बहुत ज़्यादा है, हम दोनों का एज एकदम से सेम है। और मेरे पति जो जॉब के साथ साथ अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनका, हम लोग ऐसा सोचे हैं, बाकी भगवान का मर्जी जब हो जाए, लेकिन हम लोग ऐसा सोचे हैं कि मेरे पतिदेव का पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग बेबी प्लानिंग करेंगे, बाकी भगवान की मर्जी जब दे दें तब, खुशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति प्रभा का, आप अपने स्किन के लिए क्या यूज़ करती हो प्लीज़ बताइए, आप खुद का स्किन केयर रूटीन बताइए। तो गाइज़ आप यकीन करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन सच में हम अपना स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं करते। इसके लिए मेरी जो बहन है, छोटी बहन, बहुत गुस्सा करती है कि तुम अपना स्किन केयर क्यों नहीं करती हो, क्योंकि पूरे दाने आ जाते हैं मेरे फेस पे। हम बिल्कुल केयर नहीं करते, बस जो नॉर्मल क्रीम हुआ, पाउडर हुआ लगा के और हो गया। लोगों को लगता है बहुत मेकअप भी करते हैं, तो हम बहुत मेकअप भी नहीं करते हैं, बस लिपस्टिक लगा लेते हैं, और ज़्यादा हुआ तो काजल और मस्करा बस। इसके अलावा रेगुलर हम बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया करते हैं, और स्किन केयर भी नहीं। और अगर आप प्रोडक्ट में आपको जानना है कि हम क्या क्या लगाते हैं डेली यूज़ में, तो एलोवेरा हम ज़रूर लगाते हैं, जो मेरा है एलोवेरा का मॉइस्चराइज़र, तो आप भी वो यूज़ किया करिए, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन है माही यादव का, पसीना से इतना भीग गया ना कि हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि फ़ैन ऑफ कर दिए हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है। कोई बात नहीं गाइज़, हम जो ये क्यों वीडियो है वो पार्ट बाई पार्ट में लाएंगे, क्योंकि एक ही बार शूट करना बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, और सबका इस बार रिप्लाई करेंगे, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सबका रिप्लाई करें। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि इस वाले में अगर किसी का नहीं रिप्लाई गया है तो नेक्स्ट में नहीं जाएगा, सबका रिप्लाई जाएगा, पार्ट बाई पार्ट आएगा अभी वीडियो उसमें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है माही यादव का है कि आपका शादी इतना दूर कौन करवा दिया? सही बात है, मेरा शादी थोड़ा दूर हो गया है, और अब लगता है कि नहीं यार, दूर शादी नहीं, जितना पास शादी हो, जितना आप मायके के पास रहो उतना अच्छा रहता है, शादी बस हो गया दूर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगति का, आप कितने तक पढ़ी हुई हो? तो हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट है रीमा गुप्ता का, आप जमशेदपुर में कहाँ रहती हो? तो हम एड्रेस तो नहीं बता सकते गाइस, बस इतना बता सकते हैं कि हम जमशेदपुर में स्टेशन के पास रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनू क्राफ्ट का, सही पढ़ रहा है ना? हाँ। आपका बेबी प्लान क्या है, कब का है? तो वो तो हम बता चुके हैं बेबी प्लान कब का है, इसका तो रिप्लाई दे चुके हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता सिन्हा का, योर स्किन कलर क्या है? तो मेरा स्किन कलर जो है वो गोरा है, गोरा ही बोलेंगे ना, हाँ गोरे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माही यादव का ही ये भी क्वेश्चन है कि आप अपने भाई बहन में सबसे बड़ी हैं क्या? तो नहीं, मेरा भैया सबसे बड़े हैं, उसके बाद हम हैं, उसके बाद मेरी छोटी बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमन्ना सिंह का, दी आप कहाँ तक पढ़ाई की है वो बताइए ना प्लीज़। तो हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, बीकॉम से किए हैं, मतलब अकाउंट से।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन माही यादव का ही है कि भारती और बरखा कौन है। तो भारती और बरखा हमारे यहाँ रेंट पे रहती हैं लोग, तो वहीं हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे को बहुत प्यारा लगा और मेरे को इस बारे में बात करना भी बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत कम मौका मिलता है बात करने का। तो प्रियांश यादव जी का ये क्वेश्चन है कि लाइफ में आपका ड्रीम क्या है। तो मेरा ड्रीम जो पहला था ना, वो यूट्यूबर बनना नहीं था। मेरा पहला ड्रीम था फैशन डिज़ाइनर बनना। हम पहले बहुत ड्रेस भी बनाया करते थे, बहुत सिला करते थे, ड्रेस वगैरह सब कुछ, बहुत सारा कुछ डिज़ाइन करते थे। अब तो वक्त ही नहीं मिलता और शायद वो सपना पीछे ही रह गया, मतलब अजीब सा लगता है सोच के भी। बट जो मेरा सेकेंड ड्रीम था ना, वो था कि हम एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बने। मेरे को नहीं पता हम अभी बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन कोशिश पूरा है, मेहनत पूरा दिल से ईमानदारी से करते हैं कि एक दिन मेरे भी हाथ में सिल्वर प्ले बटन हो और उसका खुशी, मतलब सोच भी नहीं पाते हैं यार कि कभी मेरे पास आएगा सिल्वर प्ले बटन। पता नहीं आएगा भी या नहीं, लेकिन बहुत खुशी होगा और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो मेरा फ़िलहाल यही ड्रीम है। और कुछ कुछ ड्रीम है जो अभी हम बोल नहीं सकते, वो करके दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी हम बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप बोल दो तो पूरा नहीं होता है। इसलिए हम कुछ कुछ है जो हम करने के बाद बताएंगे। फिर नेक्स्ट जो कमेंट है वो रोज़ी का है। स्कूल टाइम में राधा बहुत ही प्यारी लग रही थी, अभी तो फ़िलहाल जवाब ही नहीं है। थैंक यू सो मच रोज़ी। तो बहुत लोग मेरे स्कूल की भी जो लड़कियां हैं वो भी देखा करती हैं मेरा वीडियो, बट हम पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वो लोग का डीपी वगैरह कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं। बाकी अच्छा लगता है कि मेरे स्कूल की भी जो लड़कियां हैं वो मेरा वीडियो देखती हैं। नेक्स्ट है वैशाली का क्वेश्चन। आप तो मेरी फेवरेट हो दी, आपको देख देख कर मैं लुक क्रिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच वैशाली, बहुत अच्छा लगा सुन के, लॉट्स ऑफ लव। नेक्स्ट है खुशी श्रीवास्तव। आप आरा में कहाँ से हो दी, प्लीज़ रिप्लाई, मैं भी आरा से हूँ। एड्रेस तो नहीं बता सकते डियर, आरा से ही हैं बट एड्रेस नहीं बता सकते ऐसे। नेक्स्ट है कि आपकी आँख का जो कलर है वो क्या है और डेली आईज मेकअप क्या करती हो आप बताइएगा। तो आँख का कलर मेरा जो है कभी मरून, ब्राउन नहीं बोलेंगे, मरून सा लगता है, मतलब कुछ अजीब लेंस जैसा लगता है, बट लेंस नहीं है, और भी लेंस जैसा लगता है, फिल्टर से थोड़ा हो जाता है। बट मेरा आँख का कलर ना ब्लैक है ना ब्राउन है, पता नहीं कैसा है, बट हाँ लगता है जैसे कि लेंस लगाए हुए हैं इस तरीके का है। और डेली आईज मेकअप में हम कुछ भी नहीं करते हैं, बस काजल कभी कभी लगा लेते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं करते हैं। और अगर बाहर वगैरह जाना हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आईज मेकअप में करना होता है तो हम मस्करा लगा लेते हैं। मेरे को मस्करा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा। नेक्स्ट है कि आप अपने घर का होम टूर लाइए और आप अलग अलग कंटेंट में वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं। तो होम टूर लाने का बहुत सारे कमेंट आते हैं कि होम टूर क्यों नहीं लेके आते हैं, तो लेके आएंगे गाइज। अभी थोड़ा मेरे घर में काम भी चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि मेरा घर जब पूरा फिनिशिंग हो जाएगा ना, पूरा बन जाएगा, तब हम एक ही बार लेके आएंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए अभी हम नहीं ये करते हैं। और है कि अलग अलग वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, तो गाइज टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। ब्लॉग में क्या है कि हम कहीं भी एक जगह कैमरा रख देते हैं और जो काम करते हैं वो बना लेते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है, और अलग कंटेंट बनाने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, इसलिए अभी थोड़ा सा हम इग्नोर करते हैं ये सब चीज़ों को। बाकी आने वाले दिनों में आएंगे अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे गाइज, बस जुड़े रहिए, आएंगे अच्छे अच्छे से। और नेक्स्ट है एवरीथिंग विथ, पता नहीं निधि नाम है, मतलब उनका थोड़ा बहुत लंबा सा कुछ लिखी हुई है। तो उनका है कि आपकी छोटी बहन क्या पढ़ती है। तो हाँ जी, मेरी छोटी बहन पढ़ती है और कोशिश कर रही है जॉब लग जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शादी के 2 ईयर हो गए, आपका कोई बेबी नहीं है। तो हाँ 2 साल हो गए हैं, बट अभी बेबी नहीं है क्योंकि अभी हम लोग बेबी प्लानिंग नहीं किए हैं। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि आगे बताए होंगे, आप लोग सुने होंगे कि मेरे पतिदेव अभी स्टडी भी करते हैं जॉब के साथ साथ, तो कोशिश यही करते हैं हम लोग कि उनका पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम लोग बेबी प्लानिंग करें, और बाकी जैसा प्रभु चाहें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव ज्योति का। एक क्वेश्चन और है कि आप इंस्टा पे रील्स बना के डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड करती हैं। तो हाँ जी, पहले इंस्टा का जो है, इंस्टा से हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे जाके और अपलोड करते हैं, तो सही रहता है। बाकी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो गाइस, तो आज इस वाले वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हम सोचे कि आंसर दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, उसमें देखिएगा और भी क्वेश्चन के जवाब आपको हम देंगे। बाकी कैसा लगा ये वाला वीडियो ज़रूर बताइएगा। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लव मैरिज वाला, अरेंज मैरिज वाला, वो सब का भी वीडियो आएगा आने वाले दिनों में, नेक्स्ट जो पार्ट में आएगा वो सब का भी आंसर मिलेगा। बहुत लोग, मतलब
रुष्ट भी हो गए हैं कि अब बताते क्यों नहीं हो कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो बताएंगे गाइस, ज़रूर बताएंगे। स्टोरी इतना प्यारा है ना कि हम सोचते हैं पतिदेव के साथ बनाएं, बाकी देखते हैं, अगर नहीं हो पाया तो हम खुद ही सब कुछ बता देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा गाइस ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और 100 लाइक इस बार इस वाले वीडियो पे ज़रूर आना चाहिए। नहीं आया तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ तो नहीं कर सकते, बस बोल ही सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके भी बता दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड जितना हो सके शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और नेक्स्ट क्यों वीडियो ही आएगा, तो ज़रूर से देखिएगा गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।